बहुत दिनों बाद जोश मनी वापस आ गया है दिल्ली की सड़कों पर लोगों का हाल जाने कि वो कितना एक्साइटेड है आने वाले बजट को लेकर जो आने वाला है 1 फरवरी को। क्या उन्हें पता है बजट कौन पेश करता है, क्या उन्हें ये पता है कि बजट कब आ रहा है और पैसे को लेकर वो क्या सोचते हैं, पैसा उनके लिए क्या है, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। शो का नाम है पैसा बोलता है, हमारे चैनल का नाम है जोश मनी और मेरा नाम है मेधा रिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहीं के हैं वैसे? नहीं कश्मीर के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको अभी 22 जनवरी को कुछ हुआ था, आपने देखा वो इवेंट? 22 जनवरी यूपी में अयोध्या में क्या हुआ अभी? अरे वो तो राम मंदिर का अथि हुआ था, पता है? दिया गया था, यही हुआ था और क्या क्या। एक बड़ा इवेंट होने वाला है 1 फरवरी को, सेम नहीं पर कुछ होने वाला है 1 फरवरी को पार्लियामेंट में, क्या है वो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ये हम उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। चलिए हम किसी और, ये जो रेड जैकेट में इनसे पूछते हैं, देखते हैं हमसे बात करेंगे कि नहीं। आपसे हम कुछ बात कर सकते हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बहुत, क्या आपसे हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जैसे फर्स्ट सवाल ये है कि 1 फरवरी को क्या है? थर्सडे, स्टार्टिंग ऑफ वैलेंटाइंस वीक। क्या अभी 1 फरवरी को पार्लियामेंट में क्या होने वाला है? नो आइडिया। टैक्स से रिलेटेड? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। 1 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना, सिंपल है। इसमें क्या समझना है, हर बार टैक्स भरते तो है पता ही। मुझे तो दुनिया की लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं। हम बता दें देश का बजट आने वाला है, पैसा बर्बाद। तो अभी बजट ना 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो आपको पता है कि कौन लेके आता है इसका? जीतेंगे, इंडिया जीतेंगे, हर जगह इंडिया जीतेगा। क्या बोला, क्या बोला? देख लेते हैं टीवी पे क्या आ गया, उसी को मान लेते हैं। अच्छा तो दूसरा सवाल ये कि पेश कौन करता है, कौन प्रेजेंट करता है? आप ये नई रिकॉर्ड करो तो आई थिंक ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल, ये भी हमें पता नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है हमारे पीएम। No idea. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है? ये तो Mentors, दिमाग की बत्ती नहीं पता है। मोटा भाई, मोटा भाई। मतलब अमित शाह। अमित शाह आपको? मुर्मू जी। नानी तुम्हारे वा मो सिंदे इरु। सॉरी याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। यार इतना नाम याद नहीं रहता हमें, हम लोग एक्टर आदमी हैं, थिएटर से एक्टर। हाँ हम लोग एक्टर हैं थिएटर से। अभी आपने फिल्म देखी होगी मेरी तेजस। अच्छा, अभी खुफिया बारूद, अभी आने वाली है मेरी इंडियन 2, अभी पताल लोक, काला पानी, मुंबई मेरी जान, काफी फैला हुआ बिजनेस है। अच्छा मेल है या फीमेल? फीमेल है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन। निर्मला सीतारामन जी। यस, वेरी नाइस। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। अब आखिरी सवाल ये है कि पैसा जैसे ही वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है उससे रिलेटेड? पैसा मतलब दोस्त, बेकारी नहीं है, बहुत पैसे अपने पास। सेफ, सेफ के लिए सेफ करना। मेरे लिए पैसा कोई मैटर नहीं है, मेरे लिए मेरी खुशी मैटर है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। पैसा ये है कि बस सुख शांति, मुझे चाहिए ही नहीं पैसा। रथ चाहिए क्या हो रथ को? माय पैसे को उतने वैल्यूएशन नहीं देते हैं। जीडीपी, पैसा मतलब सब कुछ। पैसा तो जिंदगी है। मनी, एक्सक्यूज मी भाई साहब, थोड़ा उधर हो जाइए। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो, चलो उठ जाओ। My only aim to earn money is to buy comfort and luxury for my family and for myself. Paisa is a lifestyle, jisse banti hai wo to paisa hai, aapki zindagi usi se chalti hai, to money is very important for, it's a currency rather, ki paisa matlab economy. Palace, money. Nahi, paisa ka matlab money hota hai wo to pata hai mujhe. Par what is money for you na, ki paisa matlab mere liye bada gaadi, bada ghar, chain, अमीर बॉयफ्रेंड। क्या, व्हाट इज पैसा फॉर यू? पैसा मतलब मौका नहीं।
नहीं कुछ नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई जेन ज़ी वर्ड है जो मुझे नहीं पता है क्या? इट्स अ जापानी। अच्छा तुम लोग क्या जापानी सीख रहे हो क्या? अच्छा क्या पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी बीए प्रोग्राम। फिलोसफी इंग्लिश ऑनर्स। हाँ सारा पढ़ाई साथ में घूम रहा है, इंग्लिश ऑनर्स साइकोलॉजी बीए वगैरह वगैरह। अच्छा और सब साथ में जापनी सीख रहे हैं, वेरी नाइस। व्हाट इज पैसा फॉर यू? थोड़ा सा उसमें जाओ। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स एंड ऑल। पैसा मतलब ड्रीम्स। हमारे लिए इतना ही, मतलब एक गाड़ी हो, बंगला हो और जीवन जीवन चल जाए, बस इतना ही। बस दो चार यूएस ट्रिप वगैरह, यूरोप ट्रिप हो जाए, जिंदगी बढ़िया चल जाए बस। मेरे ख्याल से घूम सकते हैं, अपना जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं पैसे से। तो शादी मतलब गाड़ी मतलब पैसा मतलब पैसा मतलब अच्छी शादी। बस फीलिंग्स नहीं आ सकती है तो पैसे से आप फीलिंग्स नहीं खरीद सकते किसी के। थैंक यू सो मच। अब आप कर लीजिए जो कर रहे थे और जो आप शर्मा रहे थे, कुछ कमेंट्स वगैरह आएंगे तो देख लीजिएगा। तो आज हमें तरह तरह के लोग मिले, कोई बाबा था, किसी ने मेरा फ्यूचर बताया, कोई केरला से आया था, कोई श्रीनगर से आया था, कोई एक्टर था, अलग अलग लोग मिले, उन्होंने सभी ने बहुत प्यारे जवाब दिए। कैसा लगा आज आपको हमारा ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब सर्दी बढ़ गई है तो हम भी सोच रहे हैं अब अपने घर की ओर जाएँ। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जोश मनी। थैंक यू। सो प्लीज सब सर कर सर कर सर कर व्हाटएवर।